हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आ गए हैं हम एक और नए छोटे से व्लॉग के साथ। तो घर का सारा काम हो चुका है और नहा भी लिए हैं और खाना भी हमने लगभग बना लिया है। तो आज खाने में बनाए हैं राइस और आलू की सब्जी और रोटी। और देखिए, तहरी यहाँ सो रही है, खुशबू भी फ्री हो गई है नहा धो के। हैं कि थोड़ा फ्री हैं तो अलमारी को सेट कर लेते हैं। काफ़ी दिन से मेरी बहुत मैसी हुई पड़ी है अलमारी, क्योंकि मतलब टाइम ही नहीं मिलता और मेरे से वैसे ये वाले काम होते नहीं है। मतलब मार्केट का कर लेती हूँ, पार्लर का कर लेती हूँ, घर के मोटे मोटे काम कर लेती हूँ, लेकिन ये जो है ना, कपड़े जचाना, अलमारी को सेट करना, ये वाले काम सीरियसली नहीं होते मेरे से। तो पिछली बार ही अलमारी सेट की थी। देशनोक कब गए थे? जनवरी में, आई थिंक जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर एंड में हम देशनोक माता के गए थे। तो मामा मम्मी आए थे साथ में, और मामी और ये इन्होंने मिलके मेरी अलमारी सेट की थी, और तब से मैंने अलमारी को नहीं सेट किया है। तो चलिए आज इसको करते हैं और दिखाती हूँ। पहले, सबसे पहले मेरी अलमारी का आपको हाल। ले खुशबू, शुरू हो जा बहन, खुशबू ही करेगी ये वाले काम, क्योंकि मेरे से तो ये नहीं होने वाला है। ओ भाई। ये क्या हालत बना रखी आपने? तो गाइस, शायद ये आपको ऐसी अलमारी किसी की दिखेगी, ये देखिए। ओ भाई, अगर मेरी मम्मी देख लेना तो बड़ी डांट पड़े। देखो, कपड़े सीधे बाहर आके गिरे हैं। अगर ये वाली हालत तो मम्मी देख लेना, सीरियसली बहुत डांट लगाने वाली है, क्योंकि मम्मी तो अब भी कोई ना कोई बात के लिए बोल देते हैं, डांट लगा देते हैं, कह देते हैं ये नहीं करती, वो नहीं करती, ढंग से रहा कर, ढंग से काम किसी किया को कर। प्यार तो करते। तो आज ना, सीरियसली गाइस, देखिए बड़ा मैसी हुई पड़ी है। तो चलिए इसको झटपट सही करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फिर होने के बाद कैसी लगती है। तो शुरू निकालो पहले तो कपड़े। खुशबू शुरू करो। खुशबू शुरू आप कर। खुशबू तो आपने बारे पसंद माना टिक करी में तो दोनों जने आ जाएगी तो लगा दूंगी माला। तो खुशबू और मैं मिलके करेंगे। एक बार तो इसको बोल रही हूँ कि कपड़े निकाल दे बहन, निकालने का काम तो कर ले। और देखिए अलमारी में, इधर हो ना, अलमारी में यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में मेरे कपड़े भरे पड़े। एक आधा कोई पवन जी का दिखेगा, जैसे ये हो गया, एक ब्लेजर टंग रहा है। तो मतलब, और ना जब कहीं पार्टी फंक्शन में जाना हो ना, तो कपड़े नहीं होते, सीरियसली कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। ये क्या कर रही है? मुझे इस साड़ी में तैयार कर दे आप। साड़ी हाँ पहनेगी? हाँ चल तेरा आज मेकअप करेंगे, ये वाली साड़ी पहनाएंगे तेरे को। वाह, कितनी सुंदर साड़ी, ग्रीन कलर की। ये है भी बहुत सुंदर, ये वाली साड़ी। पवन जी दिल्ली गए थे तब, फ्रेंड की मोम है, उन्होंने मेरे लिए भेजी थी, गिफ्ट की थी उन्होंने हमें। और काफ़ी सुंदर है, इसका बॉर्डर देखिए, बहुत सुंदर साड़ी है ये वाली। कलर भी ये बहुत ट्रेंडी कलर है, आजकल बहुत चल रहा है ये वाला कलर। देखिए मेरे सर्दी के कपड़े भी अभी तक सेट करने वाले पड़े हैं। दीदी, ये सूट तो आप मुझे दे दो, खुशबू को सोंग चढ़ रहा है मेरे कपड़े देख देख सुंदर लगेगा दीदी मेरे ये के। बहुत। अब ये सारे ट्राई करने वाली है, इसको साड़ी भी पसंद आ रही है, ये सूट पसंद आ रहा है, वाओ, ये वाला दुपट्टा है इसका, ये वाला। बहुत अच्छा लगेगा, ये तो मेरे को ही दे दो आप, हाँ दे दो तेरे को, मेरे को बताने तो एक मेरे बार भी नहीं पास, पहनना हुआ मेरा ये। तभी तो बोल रही हूँ दे दो मेरे को। हाँ दे दूँ तेरे को। मेरी खुशबू को साड़ी मिला ये वाला मेरा स्कार्फ, ये कैसे पहना जाता है? मतलब फोल्ड कर, तो दो डबल फोल्ड कर गले में, गले में। ऐसे हाँ ऐसे ऐसे। हाँ अब इसको बीच में लिया, बीच में लिया उनको। हाँ ऐसे, हाँ, इस तरह वाह से, इस तरह से भी पहन सकते हैं, और इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर कर। हाँ ये ऊपर ले जा, ये ओ ऊपर ले जा, वाह, ऊपर कर। हाँ अब देख,
हाँ इस तरह से भी पहन सकते हैं, नेकलेस बन जाएगा तेरा ये। ये अपने घूमने जाएंगे ना तब लेके जाएंगे। हाँ तो गाइस ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये वाला दुपट्टा है जो मैंने आज जो मैंने सूट पहन रखा है उसका ये दुपट्टा है, ये वाला देखिए प्रेस करने वाली है बेचारे को। ये देखिए ये वाला दुपट्टा देखिए कितना सुंदर है, लेकिन प्रेस नहीं की हुई इसको बेचारा यूं ही। देखिए गाइस दीदी के अलमारी से चौक निकल रहे हैं, जो क्लासरूम में होने चाहिए वो अलमारी में मिल रहे हैं। अरे वो सूट स्टिच करने के लिए मैंने निशान लगाने के लिए लेके आई थी। देखना टीवी का रिमोट हम बाहर ढूंढते रहते हैं और ये अंदर पड़ा है देखो। अरे दो है रिमोट नहीं अंदर अलमारी के, रिमोट दो है बहन वो अच्छे से नहीं चलता है देखना क्या क्या रख रख है। अरे ये स्टिच करने वाला है, मैंने छोड़ दिया था, मन नहीं किया मेरा सिलने का, इतनी बुरी हालत, मन ही नहीं किया सिलने का ये वाला। कोई रिपोर्ट कार्ड? हाँ ये निकला है भाग्य का रिपोर्ट कार्ड। देना ये भाग्य का रिपोर्ट कार्ड है, ये रहा भाग्य का नाम। मैं आज आपको दिखाती हूँ मेरी शादी की ये साड़ी है देखिए, और बहुत सुंदर साड़ी, पूरा इसमें हैंडवर्क किया हुआ है, मतलब अभी भी इतनी सुंदर पड़ी है ये, और फिर से हैंडवर्क का शुरू हो गया नंदनी काम, फिर से आने लग गया। तो गाइज ये देखिए मेरी शादी की साड़ी है ये। गाइज देखिए नंदनी भी अब हमारी हेल्प के लिए आ गई है, क्योंकि ये वाला जो काम है ना भाई, एक मतलब युद्ध युद्ध जीतने वाली बात है, काम बड़ा औखा है। देखिए हालत क्या हो गई, हालत क्या हो गई है। तो नंदनी कर रही है, तक आधी अलमारी सेट हुई है, इधर वाला हिस्सा मैंने और खाली की कर दिया, अभी आधी सेट हुई है। ये हाल है, अभी एक घंटा भर और लग जाएगा आराम से। देखना ये फालतू के काम करने लग गई, अब ये इसने मेरी हेल्प थोड़ी करनी है, नहीं कर। देखो ये मुशक्कत चल रही है इस साड़ी को समेटने की, ये छोड़ दी, छोड़ो छोड़ो आपके पास खींची है, जान दो बेटा। ऑलमोस्ट हमारी अलमारी सेट हो चुकी है कि अब देखिए बेचारी कुछ इस तरह से, मुझे तो अच्छी लग रही है क्योंकि जो पहले का हाल था उससे तो बेटर है। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। थैंक यू।